ये नागदा का प्रसिद्ध मंदिर जो अंता के अंता से 7 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हर महाशिवरात्रि को विशाल मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला लगता है। दर्शनार्थी और स्नान करने वाले लोग यहाँ पर आते जाते रहते हैं। आज आप देखिए, आज की तारीख है 23 अगस्त 2022। जो ऐतिहासिक दिन है, तारीख इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, और इस दिन का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है कि आज से 30 साल पहले लगभग 1997 या 98 में यहाँ के जो पुराने बासिंदे हैं वो कहते हैं कि ऐसी बरसात हुई कि सन 1997 या 98 में यहाँ बरसात आई थी, और वो बरसात भी इतनी तेज थी कि जो आज की स्थिति है जल प्लावन की, उससे भी कम पानी था। आज का दिन ये महत्वपूर्ण है। ये भगवान शिव का जो मंदिर आप देख रहे हैं पूरा जलमग्न है, ये इसका मुख्य द्वार है, और मुख्य द्वार के पीछे भगवान शंकर का मंदिर है। ये मंदिर पूरी तरह से डूबा हुआ है। भगवान शंकर के सामने जो नंदी महाराज है, नंदी महाराज की मूर्ति एक चौखट पर है, और चौखट की ऊंचाई लगभग 4 फीट होगी। 4 फीट के ऊपर लगभग 3 फीट ऊपर नंदी महाराज है, और वो नंदी महाराज पूरे डूबे हुए हैं। आप देख रहे हैं मंदिर के पुजारी हैं, भाई कैलाश गोस्वामी है ये मंदिर के पुजारी, ये भी पूजा करने के लिए यहीं से भगवान की पूजा और आराधना कर रहे हैं। हमने उनसे बात करी, उनका कहना है कि हम यहीं से दीपक लगाकर भगवान शिव की आरती आज करेंगे। आज उनकी इच्छा है कि इसी तरह से हमारा पूजन अर्चन हो। आज संपूर्ण गंगा मैया, चंबल, पार्वती, परवन और काली सिंध सब मिलकर भगवान शिव का ये अभिषेक कर रही हैं, और ये ऐतिहासिक पल और ऐतिहासिक पलों की ये दुर्लभ चित्र जो बरसों तक लोगों के जहन में रहेंगे आपके समक्ष हैं। और ये इस तरह की बात हमेशा तो नहीं है, 30 सालों में आज देखने को दृश्य मिला है। नई पीढ़ी के लोग तो कहते हैं कि हमने पहली बार ऐसा दृश्य देखा है। मेरे मित्र हैं ये जो आगे जा रहे हैं, मैं उनसे मना करूंगा कि आगे, हालांकि गड्ढा वगैरह कुछ नहीं है, नीचे सीसी रोड है, लेकिन फिर भी ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। जिधर भी देखते हैं कल्पवृक्ष है, कल्पवृक्ष भगवान भी पूरी तरह से ढके हुए हैं, जल में मग्न है। आज का ये जल का स्थिति देखने योग्य है।